सो हे एवरीवन, आज हम बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द स्टील कोल्ड विंटर। सो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। शायद उस इंसान की जान चली गई थी। बाद में हम योनसू से मिलते हैं। वो वहाँ पर एक लड़की को आइस के ऊपर स्केट करते हुए देख रहा था। उस लड़की का नाम था हीवॉन। योनसू उसे देखे जा रहा था और हीवॉन भी उसे नोटिस करती है। उसके डैड उसे बुलाते हैं क्योंकि वो अपने नए घर पर जा रहा था, पर गाड़ी में योनसू के कानों में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके डैड के बातों से हमें ये समझता है कि ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। इस बीच वो लोग घर पर पहुँच गए थे और वो लोग सियोल से एक छोटे से विलेज में आए थे। क्यों, इसका रीज़न हमें बाद में पता चलेगा। वहाँ पर जाकर उन्हें विलेज के फॉरमैन मिस्टर यांग मिलते हैं जो उस विलेज को संभालते थे एज ए हेड। वो उनको वेलकम करता है और वहाँ पर मिस्टर यांग का पिक भी था। मिस्टर यांग उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें इसे एज ए पेट रखना है। योनसू कुछ ना बोलकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका पहला दिन था स्कूल के लिए। उनके टीचर उसे सभी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बहुत ही शाय था और उसके क्लास में हेवन भी थी। जीवन और बाकी के स्टूडेंट्स उससे दोस्ती करते हैं। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद घर पर जाने से पहले वो उसी जगह जाता है जहाँ पर ही वॉन स्केट करती थी, पर वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। वो अनलकी था। योनसू जाते ही वॉन वहाँ पर आ गई थी। लंच के वक्त ही वॉन लंच ना कर कर क्लासरूम से चली जाती है और जियान योनसू को पसंद करती थी और इस बार भी योनसू स्कूल के बाद उसे देखने के लिए रुकता है। योनसू को उसके साथ दोस्ती करनी थी और इस बार भी योन अपनी गुमसुम सी और चुप खड़ी थी और वो हमेशा और हर जगह वो किसी से बात नहीं करती थी और ऐसे ही शांत खड़ी होकर वो सिर्फ देखती थी। ये देखकर योनसू वहाँ से घर पर चला जाता है। अगले दिन फिर से स्कूल में क्लास चल रही थी। उसी बीच वो योन जो से पूछता है कि योनू इतनी अकेली और उससे कोई भी बात क्यों नहीं करता। वो कहता है रूमर्स के हिसाब से वो पॉजेस है और ये भी कि वो एक शमन है, पर उन्होंने ये कभी भी अपने आंखों से नहीं देखा। ये दोनों बात कर रहे थे और टीचर उन्हें देख लेते हैं और वो योनसू को ब्लैक बोर्ड के ऊपर का सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं और वो सवाल लूनर एक्लिप्स के ऊपर था। पर हैरानी से योनसू उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है और पूरी क्लास टीचर के ऊपर हंस रही थी। योन जो भी टीचर के डांट से बच गया था। फिर उनका सभी का लंच टाइम होता है। योनसू इनके साथ लंच ना करके हीवॉन के पीछे जाता है और वो टेरिस पर गई थी, पर उसी बीच योनसू को अपने पास्ट के फ्लैशेज आते हैं जिसमें योनजो नाम के लड़के ने स्कूल के छत पर से सुसाइड कर लिया था और वो वियर्ड नॉइसेस उसे फिर से परेशान कर रही थी। ये सभी चीज़ें उसे योन को देखकर हो रही थी क्योंकि वो भी छत की दीवार पर खड़ी थी। ये सभी आवाज़ें एकदम से रुक जाती है क्योंकि हीवॉन ने पहली बार उससे बात की थी। वो कहती है मैं यहाँ से जंप करने के बाद भी नहीं मरूंगी। स्कूल के बाद रास्ते में दो लोग एक आदमी को मार रहे थे जो पीले ड्रेस में था। उसका कहना था कि इस आदमी ने मेरी छोटी बच्ची को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और वो लोग उसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उनके पीछे से ये सभी चीज़ें हीवॉन देख रही थी और जिस आदमी को वहाँ पर मार रहे थे वो हीवॉन के फादर थे और वो थोड़ी दिमागी रूप से कमज़ोर थे। जो पीले ड्रेस में थे वो जियान के फादर थे क्योंकि वहाँ पर योनसू खड़ा था, इसलिए वो योनसू को एज ए विटनेस पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। जियान के डैड कुछ ज़्यादा ही इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रहे थे, पर फॉरमैन उन्हें बचा लेते हैं और असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हीवॉन के डैड ने जियान को सिर्फ गलती से टच किया था। पुलिस स्टेशन के बाहर योन जियान के डैड के कान में कुछ कहती है जिससे कि वो डर गए थे। योनसू उसे पूछता है कि तुमने क्या बोला। वो कहती है कि उसे पता है कि उसका नाजायज बच्चा एंडोंग में बीमार है और एंडोंग एक सिटी है, पर उसे यह सब कैसे पता। ये सेम सवाल योनसू भी उससे पूछता है। अगले दिन जियान के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें बदला चाहिए था। जांग उन्हें बाहर जाने के लिए बोलकर वो हीवॉन को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसी बीच फार्मन उसे बचा लेते हैं और हीवॉन ने एक कट जांग के फेस पर मारा था खुद को बचाने के लिए, और इस सब के वजह से वो क्लास में लेट आती है। योनसू उसे पूछता है कि क्या तुम आज स्केट करने के लिए जाने वाली हो। वो दोनों रात को उसी जगह जाते हैं। वो दोनों बैठे ही
योनसु उसे न्यू स्केट शूज गिफ्ट करता है। वो कहती है कि तुम इतना अच्छा बर्ताव मेरे साथ क्यों कर रहे हो, क्या तुमने वो रूमर्स के बारे में नहीं सुना? पर योनसु को उन रूमर्स पर भरोसा नहीं था और योनसु को दुनिया में सबसे ज्यादा स्केटिंग करना पसंद था। बाद में हीवॉन स्केट कर रही थी उन्हीं न्यू शूज को पहनकर और वो पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है। योनसु को साइकिलिंग करना बहुत पसंद था और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन कुछ लोग पिक्स को लेकर जा रहे थे क्योंकि उन पिक्स के वजह से वायरस फैले जा रहा था। बाद में कुछ लोग और जियान के फादर योन के फादर को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, पर वॉशरूम के बहाने से वो वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में स्कूल में जियान कहती है कि तुम दोनों रात को क्या कर रहे थे और क्या तुम डेट कर रहे हो, पर योनसु को डेट करने की परमिशन नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये दोनों बहुत करीब आ रहे हैं, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें पता है रोज रात को उसके डैड उसके साथ इंटीमेट होते हैं और ये चीज़ विलेज के डॉक्टर ने देखी थी। योनसु बहुत ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जिन लोगों ने पिक्स लेके गए थे वो लोग सभी पिक्स को एक गड्ढे के अंदर दफना देते हैं और वो पूरी जगह क्वारंटाइन हो गई थी। योनसु जियान के बातों की वजह से सोच रहा था जिससे कि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इतनी रात को योन के घर के पास जाता है और वो वहाँ पर योन को एक नाइफ लेकर उसके डैड के रूम में जाता हुआ देखता है और अगले दिन ही उन्होंने सुसाइड कर लिया था जिसमें उनका एक हाथ मिसिंग था। इतना बुरा होने के बाद भी विलेजर्स बहुत ही बुरी बातें कर रहे थे उसके फादर के बारे में। फार्मर डिटेक्टिव को ये केस सुसाइड का है करके बंद करने के लिए बोलता है और उसी वक्त डिटेक्टिव के जो असिस्टेंट थे उन्हें वॉशरूम में खून के बूंदे दिखती है और अभी भी योन के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। ये सभी चीज़ें योनसु देख रहा था। डिटेक्टिव वॉशरूम को खोदने वाले थे, फिर रात में सभी लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। योनसु वहाँ पर आता है और योन अपने डैड के फोटो के पास बैठी थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी थी और वो लोग बिना किसी शर्म के ये कहते हैं कि योन अब बड़ी हो चुकी है, वो किसी भी आदमी को फंसा सकती है। मतलब वो उसे प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए बोल रहा था। मिस्टर फार्मन कहते हैं कि वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, बोलने से पहले कुछ तो शर्म कर लो। ये बातें सुनकर गुस्से से योनसु वहाँ से चला जाता है। अगले दिन योनसु स्कूल में हीवॉन को अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि हीवॉन ने उसके खुद के डैड को मारा है। पर योन उसे कहती है कि आई विश हार्ट कुड ग्रो इन थिक स्किन टू, और योन उसे प्यार करने लगी थी। योन उसे आज रात उसी लेक के पास बुलाती है। रात को वहाँ पर योनसु उसे स्केट करते हुए देख रहा था, वो योनसु को स्केट करना सिखाना चाहती थी। योन उसे अपने पुराने स्केट देकर उसे सीधा करती है पर वो सीधे से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। पर योन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पिक्स की रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो चिल्ला चिल्ला के मानो मदद की भीख मांग रहे हो। और हमेशा उसे एक आदमी की आवाज़ आती थी और वो आवाज़ बिल्कुल उसके डैड की तरह थी। डैड सुन के योनसु को योन ने कैसे मर्डर किया होगा उसकी फ्लैशेज आ रही थी। वो डर कर बिना अपने शूज पहने पुलिस स्टेशन में जाता है और वो उन्हें सारा सब कुछ बता देता है कि उस रात क्या हुआ था। पर पुलिस वाला कहता है कि क्या तुमने वो मर्डर अपने आंखों से देखा, और उसके पीछे से हीवॉन उसकी शूज लेकर आई थी। बाद में योनसु उसे कहता है मैंने तुम्हें नाइफ लेकर अपने डैड के रूम में जाते हुए देखा, वो क्या था? और वो कहती है मैंने वो नाइफ सिर्फ उनके बाजू में रखा था क्योंकि मैंने उनके ऊपर रहम किया। विलेजर्स उन्हें बहुत बुरा भला कहते थे और उन्होंने यह तक बोल दिया था कि ये एक रेपिस्ट है, आप सभी लोग समझ सकते हो। और वो ये भी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है पिक्स को जिंदा दफनाना भी शर्म नहीं है, और ये तुमने अभी किया, तुमने मुझे भी थोड़ी देर पहले जिंदा दफना दिया, और तुम इस रूमर पर बिलीव करती हो कि मैं अपने पापा के साथ रोज इंटीमेट होती हूँ। और योन को ये भी पता था कि उसने अपने दोस्त को नहीं मारा है, और वो कहती है कि तुमने जैसे अपने दोस्त को नहीं मारा वैसे ही मैंने अपने डैड को नहीं मारा। वो दोनों गले रखकर बहुत रोते हैं। बाद में वो दोनों उसी लेक के पास जाते हैं जहाँ पर एक रूम में वो दोनों बैठे हुए थे, और थोड़ी देर बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन स्कूल में योनसु को वही वियर्ड नॉइज आ रही थी और हमें उनके पीछे की कहानी पता चलती है। जो लड़का सियोल में मरा था वो इसलिए मरा था क्योंकि योनसु ने कुछ रूमर्स उसके बारे में फैलाए थे, जैसे कि वो एक झूठा है और बिना किसी ट्यूशंस के वो
योनसू से ज़्यादा मार्क्स लाता था और बहुत कुछ। उसे पता था कि उसकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है, इसके कारण वो सुसाइड कर लेता है। और गुस्से में उसके फादर योनसू को एक थप्पड़ मारते हैं। और उसी दिन से योनसू को वो वियर्ड नॉइजेस आ रही थी। बाद में उसने जो पुलिस स्टेशन में बोला था, उस बलबूते पे पुलिस वाले युवान को अरेस्ट कर लेते हैं। युवान के घर पर डिटेक्टिव और उनके असिस्टेंट वॉशरूम को खोद रहे थे, पर सीवेज के कारण वो ज़्यादा खोद नहीं पाते। और हमें ये भी पता चलता है कि डिटेक्टिव के जो असिस्टेंट थे, उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उस दिन की बात सभी में एज अ रूमर्स फैला दी थी। और बाद में योनसू को युवान की बहुत याद आ रही थी और उसे बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से युवान जेल में थी। और उसी वक्त उसकी मॉम कहती है युवान को जेल से रिहा कर दिया है। और योनसू युवान को देखने घर पर जाता है, वहाँ पर वो नहीं थी और आज ही लूनर एक्लिप्स था। यहाँ पर हमें फार्मन की सच्चाई पता चलती है। वो एक नीच घटिया, जो बोल लो वो ऐसा इंसान था। वो कुछ चावलों और पैसों के बदले युवान को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। वो हमेशा युवान को एक्सप्लॉइट करता था कुछ हेल्प के बदले, और अभी भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। और इधर योनसू की आंखें खुल गई थी, क्योंकि वो रास्ते में एक पिक की वजह से गिरकर बेहोश हो गया था। योनसू युवान को ढूंढने के लिए घर पर जाता है, पर वो वहाँ पर नहीं थी। फिर योनसू लेक के पास जाता है उसी कमरे में, और वो वहाँ पर बेहोश थी। योनसू उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि युवान प्रेग्नेंट है। और युवान भी होश में आ गई थी, पर वो डॉक्टर कहते हैं कि ये वही लड़की है ना जो अपने फादर के साथ रोज़ रात को इंटीमेट होती है। और हमें डॉक्टर की बातों से समझ आ जाता है कि ये सभी रूमर्स इस डॉक्टर ने ही फैलाए थे। उसी वक्त वो आवाज़ें योनसू को आ रही थी। योनसू इसी गुस्से में डॉक्टर को उन्हीं शूज से मार देता है, और उन्हें वहाँ से भागना था क्योंकि कोई भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। पर लाश को लेकर जाने के लिए कुछ चाहिए था, और युवान सामान लेने के लिए फार्मन के गोडाउन में जाती है, पर फार्मन उसे देख लेता है। फार्मन उसे मारने ही वाला था, पर उससे पहले वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। योनसू उसके सर पर हमला करके उसे मार देता है। और यही सीन मूवी के शुरुआत वाला था, जहाँ पर योनसू फार्मन को जान से मार देता है। और योनसू और युवान उन दोनों के लाश को वही जहाँ पर पिक्स को स्टोर किया जाता है, वहाँ पर दफना देते हैं। और वो दोनों सियोल भाग जाते हैं। वो वहाँ पर डिनर कर रहे थे, और न्यूज़ में उन दोनों की ही खबर आ रही थी, क्योंकि एक लेडी को उन दोनों की लाश वहीं पर मिल गई थी। और वो दोनों वहाँ से निकलकर बस स्टॉप पर जाते हैं, और योनसू भी होप थोड़ी थोड़ी खो रहा था। पर पूरे रास्ते में ही युवान उससे पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर योनसू एक टैक्सी लेकर अननोन लोकेशन पर जाता है, और रास्ते में ही युवान सो गई थी। वो अननोन लोकेशन वही लेक थी, जो कि विलेज के बहुत पास में थी। और उस वक्त योनसू उसे कहता है कि चलो आज तुम मुझे स्केट करना सिखाओ। और वो दोनों बहुत खुशी से स्केट कर रहे थे, पर तभी बर्फ़ की टूटने की आवाज़ आ रही थी, और वो दोनों खुशी खुशी पानी में गिरकर सुसाइड कर लेते हैं। और ये कहानी बहुत ही इमोशनल एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? और हमें शुरुआत में लगा कि ये एक लव स्टोरी है, पर मूवी के एंडिंग तक बढ़ते बढ़ते ये मूवी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कुछ रूमर्स के वजह से किसी की ज़िंदगी कैसे चुटकी भर में ख़त्म हो सकती है। और ये एग्जांपल हमने दो बार देखा, पहला एग्जांपल योनसू के दोस्त का और दूसरा एग्जांपल युवान का। सो आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले मेरे रिकमेंडेशन से ये मूवी एक बार प्लीज़ देखो। पर आपको ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेंगी, सो सॉरी। पर अब मेरा जाने का वक्त आ गया। सो अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन और चाहिए, या फिर आपको कुछ मूवीज़ को मुझे सजेस्ट करना है, तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।